वेलकम टू माय चैनल टी टू एम ममता और मैं हूँ ममता। तो जैसे कि आप सभी को पता है फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने ही वाला है, तो और शादियों का भी सीज़न आने ही वाला है। इंशाल्लाह ये कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा और हमें रोज़ नई पार्टीज़ में जाने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी पूरी करके रखें। अगर आपके पास नई साड़ी है तो आप नए की साड़ी के साथ, अदरवाइज़ आपके पास जो रखे आप उसी के साथ। हाँ, जहाँ आपको साड़ी की ड्रेपिंग सिखाएंगे डिफरेंट, तो ये बिल्कुल यूनिक और एकदम नई है। और एक साड़ी का ड्रेप हमने किया है, इनफैक्ट दो किए हैं सिल्क की साड़ी के साथ में, और एक हमने किया है चौचर की साड़ी के साथ में। तो आप देखिए किस तरह से इनको ड्रेप करते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक भी ज़रूर बने रहिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फॉर फर्स्ट ड्रेप वी आर यूजिंग दिस सिल्क ब्लैक साड़ी एंड आई एम ड्रेपिंग दिस ऑन माई शरारा सलवार एंड अ टॉप। सो फॉर दिस आप जैसे नॉर्मली साड़ी पहले ड्रेप करते हैं वैसे ही कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर पल्लू, उसको पिनअप कीजिए अपने शोल्डर पे। इस तरह से सारी प्लेट्स को गैदर कीजिए। अब हमको जैसे हम नॉर्मली प्लीट्स बनाते हैं साड़ी में, पहले उसी तरह से नॉर्मली हमें प्लीट्स बनानी है। आप इसको नॉर्मली पेटीकोट और ब्लाउज के साथ भी ड्रेप कर सकते हैं, बट मैंने इसको शरारा और टॉप के साथ में ड्रेप किया है फॉर अ स्मार्ट एंड इंडो वेस्टर्न लुक। तो अब ये जो हमें प्लीट्स हैं ये हमें टक करनी है, सेंटर में करते हैं हम नॉर्मली, इसको हम साइड में टक करनी है इस तरह से। इसको एडजस्ट कीजिए, ये देखिए हमारा काउल बन गया इस तरह से। अब ये सारी प्लीट्स को आप गैदर कीजिए और इनको यहाँ पिनअप कर लीजिए। तो ये लुक आपका तैयार है। बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा, ये मेरा फेवरेट ड्रेप है। और बस करते करते हो गया। सेकेंड ड्रेप और फॉर दिस मैंने ये साड़ी को इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन इसका छोड़ के यहाँ से टकिंग स्टार्ट किया है। इस ड्रेप का मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरह से आपको ये प्लीट्स बना के पल्लू बनाना है। इसको अपने शोल्डर पे डालिए और पिनअप कर लीजिए, जितनी लेंथ आपको लेनी है लेंथ एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पिन से सेट कर लीजिए अपने पल्लू को। अब आपको ये अपना ये वाला पोर्शन देखिए, आपको बैक में बिल्कुल यहाँ तक देखना है कि कितना कहाँ तक जाएगा, तो उतना पोर्शन छोड़ के प्लीट्स बनाना शुरू कीजिए। जब तक आप प्लीट्स बना सकें, जब तक आपका फैब्रिक बचा हुआ है आप प्लीट्स बनाते जाएं, जब तक आपका फैब्रिक ख़त्म ना हो आपको प्लीट्स बनानी है इस तरह से, देखिए। और अब इसे हमें अपने बैक में इस तरह से टक करना है। आप इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। अब ये जो पोर्शन बचा है उसको इस तरह से लेके यहाँ भी प्लीट्स बनानी है हमें। अब आपको इसको यहाँ टक करना है इस तरह से पलट कर।
अब आप चाहें तो इस काउल को यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा ये, तो आपको इस तरह से गैदर करके इसको यहाँ इस तरह से फिनिशिंग में लेके टक इन कर लीजिए। तो ये हमारा सेकंड ड्रेप हो गया, और ये भी एक सॉफ्ट सिल्क मटेरियल साड़ी है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैंने अपनी लहंगा स्कर्ट और ब्लाउज़ के यूज़ किया है, उसके साथ पहना है। आप किसी भी तरह से इसको पहन सकते हैं। ऐसे मैंने एक शादी में पहना था, बहुत अच्छा लगा था। तो फॉर थर्ड लुक मैंने ये शिफॉन की साड़ी यूज़ की है, बॉर्डर वाली, बहुत लाइट वेट साड़ी है। और इसको भी मैंने ये लहंगा स्कर्ट और अपना क्रॉप टॉप के साथ में पहना है। तो इस ड्रेप में आपको बिल्कुल जिस तरह से आप पेटीकोट के ऊपर साड़ी पहनते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से इसको इस पर पहननी है, नॉर्मल तरीके से। और ये हो गया हमारा थर्ड लुक। साड़ी थोड़ी ट्रांजी है तो इससे हमारा स्कर्ट दिखाई देगा, तो बहुत अच्छा लुक देगा। ये देखिए इस तरह से। आपका फेवरेट लुक कौन सा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए डी टू एम ममता।